आपको सीधे लिए चलते हैं केंद्र सरकार के कोरोना के संदर्भ में फिलहाल एक लाइव कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, उसमें भी तैयार किए गए हैं। सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग अन्य काम में भी करने का फैसला हुआ है। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन एक वेब पोर्टल के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय ढांचे के साथ एकीकृत करने के लिए इट विल बी येट अनदर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये आईटी प्लेटफॉर्म मदद करेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन को, इससे बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और क्षमताओं के विकास के लिए भी ये राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से शहरी विकास मंत्रालय एक क्षमता विकास एवं वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम भी शुरू करेगा जो महत्वपूर्ण है। सरकार ने किसानों के लिए आज बड़े फैसले किए, जो पहले पैकेज के समय नहीं बताया था, लेकिन आज पहले नया फैसला है और बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 2021 के 14 फसलों के CACP आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी तोमर जी बताएंगे। इन 14 फसलों पर किसानों को अब लागत का 50 से लेकर 83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा। सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई है और किसानों में इसमें ब्याज की छूट और अदायगी में मोहलत, ये दोनों फायदे उसको मिलेंगे। किसानों को पहली मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच अल्पकालिक कृषि कर्ज की ब्याज में 2% और अदायगी में 3% का फायदा होगा। भारत सरकार द्वारा किसानों को 7% से कर्जा मिलता है, इसमें 3 लाख रुपए तक के लोन पर 2% बैंक ब्याज की छूट सरकार देगी और समय पर भुगतान पर 3% का फायदा मिलेगा। इसका मतलब 4% में 3 लाख तक का कर्जा मिलेगा। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी तोहफा है। ब्याज में छूट की योजना किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज सहित अल्पकालीन फसल कर्ज के देने के मकसद से शुरू की गई है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान बहुत से किसान अल्पकालिक जो क्रॉप लोन होता है उसके अदायगी के लिए बैंक नहीं जा सके। इसको ध्यान रखते हुए कैबिनेट ने जो निर्णय किया है उससे करोड़ों किसानों का लाभ होगा। गरीब ही इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन की शुरुआत से ही सरकार सबसे ज्यादा गरीब लोगों की जरूरतों को लेकर संवेदनशील रही है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद 2 दिन में पहला 1,70,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा हुई। 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देने से लेकर 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने तक, गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, दिव्यांगों को आर्थिक मदद देने से लेकर पीएम किसान के तहत करोड़ों किसानों को किस्त के रूप में मदद जैसे कदम उठाए गए हैं। इससे एक ऐसे बहुत बड़े गरीब तबके का फायदा मिला है जिसे लॉकडाउन के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता और अगर सरकार फौरी तौर पर ऐसे कदम न उठाती तो ये तकलीफ बहुत होती। ये घोषणाएं नहीं रही, कुछ ही दिनों के भीतर करोड़ों लोगों तक सीधे तौर पर नकदी अथवा वस्तु रूप में मदद पहुंचाई गई। 80 लाख टन से ज्यादा अनाज पहुंचाया गया। सभी बाकी पैसा जो देना था वो DBT के माध्यम से दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ऐसे लोगों को भी खाद्यान्न जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी देने का व्यवस्था किया। मकान के लिए रियायती किराए वाली नई योजना गृह निर्माण की और ऐसे ही तमाम अन्य कदमों की घोषणा की गई है। किसानों के कल्याण को लेकर व्यापक सुधारों का ऐलान किया गया है। किसानों को उन जंजीरों से मुक्त किया है क्योंकि वो सुधार इतने महत्वपूर्ण है APMC को लेकर, किसानों को उन जंजीरों से मुक्त जिसमें वे जकड़े थे
और उनकी आमदनी को बढ़ाने के उपाय अब किए गए हैं। इसके अलावा खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे में व्यापक निवेश का भी प्रस्ताव है। खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे मछली पालन को भी वित्तीय मदद दी गई है। भारत सरकार ने हर मोड़ पर समाज के सबसे जरूरतमंद तबके के साथ एकजुटता दर्शाई और उसकी मदद की है। तो ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है और ये दोनों तीनों फैसले किसानों के लिए, समर्थन मूल्य का भी फैसला, ऋण के बारे में फैसला और एमएसएमई लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मंझले उद्योग का ये किया है। दोनों मंत्री आपके समक्ष है। मैं नितिन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बोले। अच्छा, पहले तोमर जी अपनी कृषि के संबंध में। माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी और उपस्थित मित्रों, आज मंत्रिपरिषद की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और उस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित आम आदमी को राहत और मदद देने की दृष्टि से निर्णय किए गए। उन निर्णयों की